अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मिर्ज़ा अली और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक जो है वो अनलिमिटेड जीमेल पे है। काफ़ी दिनों से मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि आपका मेथड जो है वो वर्क नहीं कर रहा, तो आज मैं वही ट्राई करने वाला हूँ आपके सामने। सबसे पहले तो मैं एक प्रोफाइल जो है इसको ओपन कर लेता हूँ, और प्रोफाइल ओपन करने के बाद आपने यहाँ से इसको मैं एक्टिव कर लूँ। उसके बाद हमने जाना है इनकॉर्नेटो मोड, इसको ओपन कर लेना है हमने, ठीक है। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे इनकॉर्नेटो मोड, इस पे हमने सर्च करना है सबसे पहले तो गूगल, ठीक है। और हमने जो वीपीएन लगा रखा है उसका हमने आईपी चेक करना है, 100% हमने सिक्योर करना है। उसके बाद हम करेंगे इस पे ट्राई। ठीक है जी, तो ये जो मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, ये जिस पे मैं जीमेल्स बनाता हूँ, ये वो नहीं है, ठीक है। अलग से एक सिस्टम है जिसमें कि मैंने सेटिंग अभी करनी है, और ये फर्स्ट ट्राई मैं इस पे कर रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को बता सकूँ कि हमें भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम कोई एक ट्राई पे ही हमें जीमेल्स मिल जाती हैं, तो अलग अलग सर्वर जो हैं वो आपको चूज़ करने चाहिए, तो जीमेल्स आपकी बन जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपने एक सर्वर लगाया हुआ है, यूएस का लगाया हुआ है, तो आपको यूएस से ही बनेगी, ऐसा नहीं होता। अगर आप दूसरे दिन ट्राई करेंगे तो बन जाएंगी, ठीक है। तो ये अभी मैं आपके सामने ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम जोन पहले हम सेट कर लेते हैं, और काफ़ी दोस्तों को नहीं पता होता टाइम जोन का, भी पूछ रहे होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में टाइम जोन का बता दूँ कैसे आपने इसको सेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम जोन सेट करने के बाद आपने साइंस नाउ इस पे क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पे हमारा जो है टाइम जोन सेलेक्ट हो गया है। तो हमने दोबारा से जाना है अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पे हमने गूगल सर्च कर लेना है दोबारा, और यहाँ पे गूगल को सर्च कर लेते हैं। और यहाँ इस पे क्लिक करके आपने प्ले स्टोर पे जाना है, और प्रोफाइल पे क्लिक करना है आपने, और साइन इन विद गूगल इस पे क्लिक करना है, और फिर आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, और फॉर माई सेल्फ इस पे क्लिक करके आपने यहाँ पे कोई सा भी नाम चूज़ कर लेना है। तो ये मैं अभी फर्स्ट ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैं आपको लोगों को बता पाऊँ कि हमसे भी कभी कभार नहीं बनती। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई जादू है, तो सिर्फ ये आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और ये भी आपको दिखाना है कि ये मेथड काम कर रहा है पहले वाला या नहीं कर रहा, ठीक है। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करना है आपने, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचती रहें, और बेल आइकॉन को आपने प्रेस कर लेना है, और हमारा स्किप का ऑप्शन भी आ गया है जो कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये आएगा, ठीक है, और ये फिर भी आ गया है, ठीक है। तो अभी ये ऑप्शन आ ही गया है, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे कोई फ़ायदा तो हो। अभी आ गया है तो मैं इससे कुछ 3-4 जीमेल्स जो हैं वो बना लूँ, ठीक है। तो जीमेल्स आपको कैसे बनानी है, अभी मैं इसको स्किप नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, न्यू टैब एक ओपन कर लूँगा दोबारा से, ठीक है। और फिर से मैंने जाना है गूगल, गूगल सर्च कर लेना है, और सेम प्रोसेस जो है वो हमने फॉलो करना है, और प्ले स्टोर पे हमने जाना है, ठीक है। और एक बार फिर से हमने बनाना है एक और अकाउंट, प्रोफाइल पे करना है क्लिक हमने, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके फॉर माई सेल्फ इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे नाम हम सेलेक्ट करेंगे, तो नाम जो है वो मैं कोई सा भी यहाँ पे लगा देता हूँ,
ओके, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, 18+ होनी चाहिए। जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं कोई भी, और पासवर्ड लगा के हमने करना है यहाँ से भी नेक्स्ट। तो कोई भी काम होता है तो वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है उसमें, आप एक ही ट्राई में जब घबरा जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, तो फिर आपसे काम नहीं होगा, ठीक है। तो स्किप का ऑप्शन आते ही दोबारा से आपने एक न्यू टैब ओपन कर लेना है और फिर से आपने जाना है प्ले स्टोर पे, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि अभी मेरा ऑप्शन आ ही गया है, तो मैं चार तो बनाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। और इनको कैसे सेव करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ ताकि आपकी जो जीमेल्स हैं वो डिसेबल ना हो, ठीक है। तो अगर तो आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बाद में आपने कहना है कि हमारी जीमेल जो है वो डिसेबल हो रही है, तो उससे बेहतर है कि आप जीमेल पूरा जो है वो मेथड देख लिया करें, उसके बाद अप्लाई किया करें, ठीक है। तो यहाँ से हमने कर लेना है जेंडर सेलेक्ट और नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ। तो यहाँ पे लगाते हैं पासवर्ड जल्दी जल्दी लगा के, मैं सिर्फ चार ही बनाऊँगा, उसके बाद हम इनको सेव करेंगे और फिर हम जो सिस्टम की सेटिंग्स होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने तो कुछ भी नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी, और वीपीएन भी मैंने ऐसा लगाया हुआ है जो कि इस काम के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे पता नहीं कैसे इसने वर्क कर रहा है। वाकई कुछ जो है ना वो मेरे ख्याल से जादू वाला सीन है। तो चलें जो कुछ भी है, अब आपको तो हमने सिखाना ही सिखाना है, तो इसी बात पे आपने वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है, और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट एंड यहाँ से चूज़ करना है, और यहाँ पे लगाते हैं पासवर्ड। और नेक्स्ट कर देते हैं, और पासवर्ड है ये रॉन्ग लग गया है, और ये वीडियो ज़्यादा लंबी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या करेंगे अब, यहाँ से करते हैं हम स्किप, और यहाँ से भी स्किप कर देते हैं। या ये जो है जीमेल है इसको आपने कॉपी कर लेना है, और एक प्रोफाइल आपने ले लेनी है क्रोम की, ठीक है। इनको नेटो मोड में आपने इनको नहीं रखना, आपने अलग से प्रोफाइल जो है उनमें इनको लॉगिन करते जाना है, ठीक है, क्योंकि इनको नेटो मोड में अगर आप सारी की सारी एक बार लॉगिन कर देंगे तो वो डिसेबल हो सकती हैं। तो यहाँ से हमने करना है स्किप, ठीक है, और इससे आगे आपने नेक्स्ट अभी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे जब हमने यहाँ पे लॉगिन करना है, तो जैसे ये मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो ये लॉगिन नहीं होगी, क्योंकि अभी हमारी जीमेल जो है वो एक्टिव नहीं हुई, एक्टिव हम करेंगे तो वो लॉगिन होगी यहाँ पे न्यू प्रोफाइल में, ठीक है जी। यहाँ पे दूसरी वाली जो है वो भी मैंने कॉपी कर दी है, तो अभी थर्ड जो है वो भी हमारी यहाँ से हम स्किप कर देते हैं और यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी, और तीसरी अभी प्रोफाइल नहीं बनेगी हमारी मेरे ख्याल से, तो हमें पहले ये जो लॉगिन करनी पड़ेगी, पहले इसको हम एक्टिव करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, अभी भी एक्टिव नहीं हुई, एग्री करना पड़ेगा, यहाँ से एग्री करेंगे, ठीक है। और एग्री करने के बाद आपने कर लेना है प्रोफाइल पे जाके लॉगिन, ठीक है। तो ये साथ साथ आपने लॉगिन करते जाना है जितनी भी जीमेल्स आपने बनानी है, ठीक है। यहाँ से अभी लॉगिन हो गई है हमारी, यहाँ पे लगाते हैं पासवर्ड, उस इसको करते हैं लॉगिन। तो ये हमारी सक्सेसफुल हो गई है एक लॉगिन, और दूसरी हम करते हैं जल्दी जल्दी ज़रा, ठीक है। तो ये इसको भी हम नेक्स्ट कर लेते हैं, और यहाँ से कर लेते हैं इसको एग्री, और ये हो गई एक्टिव,
ठीक है, तो काफ़ी दोस्तों का ये भी होता है, वो हमें जो है वो कंप्लेंस कर रहे होते हैं कि जीमेल जो है वो डिसेबल हो जाती हैं, तो उसका भी मैं आपको हल बताता हूँ कि क्या सीन होता है, वो क्यों होती हैं डिसेबल। तो एक तो जीमेल जो आप बनाते हैं उन पे कोई ना कोई एक्टिविटी आप रखेंगे तो वो डिसेबल नहीं होगी, अगर आप उनको एक बार बना के छोड़ देते हैं तो वो फिर डिसेबल हो सकती हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं तो उसको यूज़ भी करना चाहिए, अगर ऐसे आप छोड़ देंगे तो वो आपकी डिसेबल होनी ही होनी है। ठीक है, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको भी मैं कर लेता हूँ लॉगिन। ठीक है, तो ऐसे ही आपने भी प्रोफाइल में, अलग अलग प्रोफाइल में आपने इनको सेव करते जाना है, और बाकी इनको मज़ीद आपने अगर लॉन्ग टाइम यूज़ करना है तो रिकवरी मेल लाजमी आपने लगानी है। ठीक है, रिकवरी मेल लगानी है, और उसके बाद आपने कुछ अकाउंट्स भी बनाने हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से पहले मैं ये सारी की सारी लॉगिन कर लूँ। ठीक है जी, तीन हमारी यहाँ पे लॉगिन हो गई हैं, तो ये लास्ट वाली, इसको भी मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, और इनकॉग्नेटो जो है इसको हम कर देंगे बाद में रिमूव। ओ सॉरी, यहाँ से हमने इसको करना है एग्री। और यहाँ पे लगा देते हैं पासवर्ड, और इसको लॉगिन करने के बाद हमने जी आगे क्या सेटिंग्स करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचते रहें। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपने जब लॉगिन कर लेना है इनको प्रोफाइल्स में, सिक्योरिटी में आके आपने रिकवरी मेल लाजमी लगानी है। ठीक है, और उसके बाद आपने सर्च कर लेना है यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट अ चैनल करना है इसको पहले। ठीक है, इसका चैनल बना देना है, कोई प्रॉपर चैनल आपने नहीं बनाना, सिर्फ आपने इसको चैनल को क्रिएट करना है ताकि इसकी हिस्ट्री जो है वो यूट्यूब पे बन जाए, तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका अकाउंट जो है। तो क्रिएट अ चैनल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्रिएट चैनल, और ये चैनल हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं करना, और यहाँ अभी हमने जाना है जी एडसन पे। एडसन पे जाके हमने इसको भी अकाउंट बनाना है एडसन का। ठीक है, तो ये दो अकाउंट जो हैं ये आपने लाजमी से बना देने हैं ताकि आपकी जो जीमेल है वो लॉन्ग टाइम चल सके। ठीक है जी, तो मैं इस पे एक अकाउंट बना देता हूँ, आई हैव नॉट वेबसाइट्स, एंड यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं क्योंकि सेलेक्ट करूँगा यूके, क्योंकि मुझे मज़ीद जो है वो ड्रेस ढूँढने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और यूके जो है वो उसमें ही हम जल्दी जल्दी बना देते हैं क्योंकि उसका ऑटो ही सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ से हमने कर देना है स्टार्ट। और पेमेंट पे जाएंगे, और यहाँ पे हमने एड्रेस जो है वो भी सबमिट करना है। यहाँ जैसे ही एक वर्ड मैं टाइप करूँगा तो एड्रेस आ जाएगा, तो मैं सबमिट कर दूँगा। ठीक है, तो नंबर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, सिंपल हमारा अकाउंट जो है ये लॉगिन हो गया है। ठीक है, तो ये जो सेटिंग थी ये जीमेल्स की सेटिंग आपने लाजमी करनी है। ठीक है, चार अकाउंट मैंने आपके सामने अभी बनाए हैं,
और ये सर्फशार्क वीपीएन जो है वो मैंने लगाया रखा है। ठीक है जी, उसके बाद हमने करना है जी कीबोर्ड से आपने सर्च टाइप करना है, विंडो प्लस आर का टाइप करेंगे तो आपके पास सामने सर्च बार एक ओपन होगा जहाँ पे आपने सर्च करना है रिसेंट और फाइल्स को करना है डिलीट, और दोबारा से विंडो प्लस आर प्रेस करना है और टेम्प आपने सर्च करना है TEMP, और ये इस फाइल्स आपने करनी है डिलीट, और दोबारा से आपने प्रेस करना है विंडो प्लस आर, और दोबारा से आपने टाइप करना है TREE, और ये विंडो आपके सामने ओपन होगी जो कि फाइल्स को करेगी रिमूव, और फिर आपने सर्च बार में सर्च करना है डिस्क क्लीन अप। ठीक है, और जितने भी आपकी टेम्परेरी फाइल्स होंगी उनको आपने करना है क्लीन, और ये कोई आपका डेटा नहीं होता, ये जो आप सर्चिंग कर रहे होते हैं ये वो फाइल्स होती हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले दो टिक का आपने लगे रहने देने हैं, नीचे वाला आपने हटा के ऊपर लगाना है और ओके कर देना है जहाँ से आपने क्लीन कर देनी है फाइल्स। ठीक है जी, तो बाकी जो है वो आपने सिस्टम की सेटिंग जो है उसमें सिक्योरिटी ऑफ रखनी है, और फ़ोन आपने यहाँ सेटिंग में जाना है और फ़ोन वाला सेक्शन जो है इस पे आपने क्लिक करना है, और लोकेशन कैमरा वगैरह ये सब आपने ऑफ कर देना है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।